बांग्लादेश से इतनी खौफनाक, इतनी भयावह तस्वीरें सामने आ रही है कि जिन्हें टीवी पर दिखाना भी एक चुनौती की तरह है। कई बार तो इतनी विभत्स तस्वीरें हैं कि समझ में नहीं आता कि इसे अगर टीवी पर दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे। जिन हिंदू परिवारों के पुरुषों को मारा जा रहा है, जिन हिंदू परिवारों की बेटियां किडनैप की जा रही हैं, उनके घर वालों के पास आंसुओं के सिवा कुछ नहीं बचा, और वो अपनी पीड़ा कहां जाकर कहें, किससे कहें, ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा। हिंदुओं के हजारों घर तबाह हो चुके हैं, लाखों हिंदू उजड़ चुके हैं। झुंड के झुंड कट्टरपंथी जमातियों की भीड़ आती है और एक झटके में सब खत्म कर देती है। भारत सरकार ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म के खिलाफ लगातार आवाज उठाई। पीएम मोदी ने बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस को शपथ के बाद जो बधाई दी, उसमें उन्होंने साफ साफ उसी मैसेज में यह भी लिखा कि बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे हमले जल्द से जल्द बंद होने चाहिए। उन्होंने लिखा कि हम उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश में जल्द से जल्द हालात नॉर्मल होंगे और हिंदू समेत बाकी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। अब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मोहम्मद यूनुस को जो बधाई वाला पोस्ट लिखा है, जरा उसको भी आपको देखना चाहिए। राहुल ने मोहम्मद यूनुस को कुर्सी संभालने की मुबारकबाद तो दी, लेकिन लगता है कि हिंदू लिखते वक्त उनके हाथ कांपने लग गए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर राहुल ने एक शब्द नहीं लिखा। राहुल ने लिखा कि बांग्लादेश में शांति की बहाली समय की सबसे बड़ी जरूरत। राहुल को बांग्लादेश की, पूरे बांग्लादेश में आंदोलन हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, तो वहां व्यवस्था, वहां चीजें सब नॉर्मल हो जाएं, वहां सब कुछ शांत हो जाए, ये तो ठीक है, लेकिन वहां जो हिंदू इतनी बड़ी संख्या में टारगेट किए जा रहे हैं, जो इस पूरे बवाल, इस पूरे हंगामे में जो सबसे बड़ा निशाना जिनको बनाया जा रहा है, जो सारे कट्टरपंथियों के निशाने पर जो समुदाय है, हिंदू समुदाय, उसको लेकर एक शब्द नहीं लिखते हैं वो अपने मैसेज में। आपको लगेगा कि ठीक है, अब इतना कहना भी कि भी अगर वहां शांति हो जाएगी तो हिंदू भी सुरक्षित हो जाएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये बड़ी बात है, और वो इसलिए क्योंकि ये वही राहुल गांधी हैं जो कुछ दिन पहले गाजा पर हमले के बाद पीड़ित मुसलमानों के लिए आंसू बहा रहे। फलस्तीन में इसराइल के ऑपरेशन के बारे में राहुल गांधी ने कितने विस्तार से लिखा है, जरा एक बार आपको भी देखना चाहिए। और क्या क्या कहा उन्होंने लिखा कि गाजा में हजारों नागरिकों, बच्चों और बेगुनाहों की हत्या और लाखों लोगों के लिए सप्लाई रोकना मानवता के खिलाफ अपराध है। सोचिए उन्होंने जो लिखा हो, हम आपको अपने स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं कि क्या क्या उन्होंने लिखा है, लेकिन उन्होंने कितने स्पष्ट शब्दों में लिखा कि लोगों की हत्या की जा रही है, बच्चों की हत्या की जा रही है और ये मानवता के खिलाफ अपराध है। लाखों लोगों का राशन पानी रोका जा रहा है इसराइल की तरफ से, ये एक मानवता के खिलाफ अपराध है। ऑल आईज ऑन राफा का हैशटैग चलाकर जो मुहिम चलाने वाले लोग थे उसमें कांग्रेसी सबसे ज्यादा आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे, लेकिन कंप्यूटर के कीबोर्ड में ऑल आईज ऑन बांग्लादेशी हिंदू टाइप करने में उनके हाथ कांप रहे हैं। आज बांग्लादेश में हिंदू बेटियां सरेआम सड़कों से उठाई जा रही, उनके साथ कट्टरपंथी मुस्लिम रेप कर रहे हैं, लेकिन प्रियंका गांधी से एक पोस्ट नहीं लिखा जा रहा, एक पोस्ट नहीं लिखा जा रहा बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए। और इस सवाल इसलिए आज पूछा जा रहा है क्योंकि ये वही प्रियंका गांधी हैं जो फलस्तीन को लेकर लंबे लंबे पोस्ट लिखती रही। ऐसे ही एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में ने गाजा में जो कुछ होने दिया वो पूरे मानवता के इतिहास में न सिर्फ एक शर्मनाक वाकये की तरह दर्ज होगा बल्कि पूरी मानवता के लिए एक टर्निंग पॉइंट होगा। वो अपने लंबे ट्वीट में लिखती हैं, एक पोस्ट में लिखती हैं, आगे लिखती हैं कि गाजा में जो ऑपरेशन चल रहा है उसके बारे में उन्होंने विस्तार से एक पैरा लिखा और उसके बाद आखिर में एक और महत्वपूर्ण बात लिखी उन्होंने। उन्होंने लिखा कि न्याय, मानवता और अंतर्राष्ट्रीय नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही, मानवता लहूलुहान है, अगर आज हम उनके लिए अपनी आवाज बुलंद नहीं करते जो सही है
तो हम में से हर इंसान एक न एक दिन इसकी बड़ी कीमत चुकाएगा। आप सोचिए कितना दूर का सोच रही थी राहुल प्रियंका गांधी, ये जब पोस्ट कर रही थी कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही, न्याय, मानवता, अंतर्राष्ट्रीय कानून, सबकी दुहाई दी जा रही। कैसे जार जार रो रहा था गाजा के लोगों के लिए प्रियंका गांधी का दिल, लेकिन यहां एकदम पड़ोस में लाखों हिंदुओं के लिए एक एक पल जिंदगी और मौत का सवाल बना हुआ है साहब, लेकिन प्रियंका गांधी से एक शब्द नहीं लिखा जा रहा, एक शब्द नहीं लिखा जा रहा, संवेदना में भी एक शब्द नहीं लिखा जा रहा, विरोध का तो छोड़िए। हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा में अगर के विरोध में अगर उन्होंने कुछ लिखा होता तब तो बहुत बड़ी बात हो गई होती। जो हजारों हिंदुओं के साथ जिस तरह की हिंसा, अमानवीयता हो रही है, उसकी संवेदना में भी दो शब्द नहीं लिख पा रही हैं प्रियंका गांधी। जो गाजा में हो रहा था या हो रहा है वो गलत है, लेकिन जो बांग्लादेश में हो रहा है क्या उसे सही मान लिया जाएगा? बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अमानवीय क्रूरता को रोकने के लिए निश्चित रूप से बड़ी भूमिका, सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की है इस देश में तो इस देश की सरकार की है, और मोदी सरकार एकदम स्पष्ट शब्दों में हिंदुओं के साथ जो जुल्म ज्यादती हो रही है उस पर मुखरता से आवाज उठा रही। लेकिन देश का पूरा विपक्ष जैसे उसको साफ सूंघ गया है, क्या उन्हें सरकार के साथ खड़े होकर बांग्लादेश को मैसेज नहीं देना चाहिए कि पूरा हिंदुस्तान बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ एकजुट है? आप इतना करने से भी चूक रहे हैं। और क्या क्या हो रहा है बांग्लादेश में, ये जरा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को एक बार वो भी देखना चाहिए। बांग्लादेश में सब दिन दहाड़े जिस तरह की घटनाएं हो रही है, जमातियों की ऐसी ऐसी करतूतें आ रही हैं कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये तस्वीरें बांग्लादेश के ही पटुआ खाली की है, जहां आतंकी रियाज मुल्ला ने एक हिंदू फैमिली को खुलेआम धमकी दी है कि उन्हें जान बचानी है तो देश छोड़कर जाना होगा। ये जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, पूरा परिवार आज डरा सहमा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि सैकड़ों सालों से उसके पूर्वज से लेकर आज तक सारे लोग जिस जगह को अपना घर मानते आए, एक झटके में उन्हें कहा जा रहा है कि सब कुछ छोड़कर चले जाओ यहां से। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद मोहम्मद यूनुस की सरकार में, यूनुस के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, अंतरिम सरकार बनी है, उसमें कैसे कैसे लोग हैं। अबुल फयाज मोहम्मद खालिद हुसैन भी उसमें से एक हैं, उनको भी सलाहकार बनाया गया है। और खालिद हुसैन एक इस्लामी कट्टरपंथी देवबंदी मौलाना है। खालिद हुसैन हिफाजत इस्लाम बांग्लादेश के नाम से एक संगठन चलाता है और यह संगठन खुलेआम हिंदू और भारत विरोधी रहा। यह संगठन आज हिंदू विरोधी हिंसा में शामिल है। इसके सदस्य हिंदू मंदिरों पर हमला करते रहे। 2021 में जो पीएम मोदी की यात्रा हुई थी बांग्लादेश की, तो इसी ने और इसके संगठन के लोगों ने वहां के बांग्लादेश के लोगों को भड़काया। अब सोचिए कि शेख हसीना का तख्ता पलट करके ऐसे ऐसे कट्टरपंथी सत्ता में आ रहे हैं तो बांग्लादेश के हिंदुओं पर कैसे हमला रुकेगा, बताइए जरा। बांग्लादेश में आलम यह है कि जिन हिंदू छात्रों ने शेख हसीना की रिजर्वेशन पॉलिसी के खिलाफ सड़क पर उतरकर लड़ाई लड़ी, जिन हिंदू छात्रों ने सो कॉल्ड तानाशाही के खिलाफ नारा देकर शेख हसीना की सरकार को उखाड़ फेंका, जिन्होंने नाहिद इस्लाम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी, आज वही हिंदू छात्र सरकार के जाने के बाद अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागे फिर रहे हैं। आप सोचिए, और उसकी एक वानगी हम आपको दिखाते हैं, जरा दिखाइए। निलय कुमार विश्वास, इस चेहरे को देखिए, इस लड़के निलय कुमार विश्वास नाम है इसका, और ये ढाका यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र है। आज इसकी रातों की नींद उड़ी हुई है क्योंकि जमाती इनके जान के पीछे पड़े हुए। कल तक के जमातियों के साथ मिलकर लोकतंत्र और सो कॉल्ड संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहा था, आज बाकी हिंदुओं की तरह निलय भी जमातियों के निशाने पर है। निलय को अपने परिवार की फिक्र सता रही है क्योंकि ढाका में कट्टरपंथियों के हाथ जो हिंदू लग रहा है वो जिंदा नहीं बच रहा, और ये खुद निलय खुद कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। और ये वो छात्र है
जो कि सो कॉल्ड इस छात्र आंदोलन में का हिस्सा था। बहुत सारे लोग वहां यह माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि बांग्लादेश में जो हमले हो रहे हैं, जो हिंसा हो रही है, वो उसमें हिंदू मुसलमान जैसा कुछ नहीं है, वो आवामी लीग के नेताओं के खिलाफ हिंसा हो रही है। लेकिन ये निलय तो आवामी लीग का हिस्सा नहीं था। निलय तो उसी छात्र संगठन, उसी छात्र आंदोलन का हिस्सा था जिसने शेख हसीना की सरकार को उखाड़ फेंका। और आज निलय अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। अब आप इसका क्या स्पष्टीकरण देंगे? इन तस्वीरों को देखने के बाद तो इंडी गठबंधन को यह समझना होगा कि बांग्लादेश में जो हुआ और जो हो रहा है उसका लोकतंत्र से ढेले भर भी लेना देना नहीं। यह सीधे सीधे बांग्लादेश को एक इस्लामी कट्टरपंथी मुल्क बनाने की साजिश थी जिसमें हिंदू पहले भी फंसे हुए थे और वो आज भी उसका भुगतान कर रहे हैं। लेकिन इन हिंदुओं की चिंता मोदी तो कर रहे हैं, लेकिन बाकी नेताओं को रत्ती भर भी परवाह नहीं है। और ऐसे नेताओं की हिस्ट्री देखेंगे तो रही सही उम्मीद भी चली जाएगी आपकी कि ये कोई आगे भी इनकी कोई परवाह करेंगे, इसकी भी उम्मीद मत करिए। याद कीजिए आप, केजरीवाल के घर के बाहर पाकिस्तान से आए हिंदुओं ने प्रदर्शन किया था, बहुत पुरानी बात नहीं है। वो बेचारे जीने खाने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे तो सरजी आग बबूला हो गए थे और केजरीवाल ने लिखा था कि इन पाकिस्तानियों की इतनी हिम्मत, पहले हमारे देश में गैर कानूनी तरीके से घुसपैठ की, हमारे देश का कानून तोड़ा और अब प्रदर्शन कर रहे हैं, इन्हें जेल में होना चाहिए था। इनकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि हमारे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं, हुड़दंग कर रहे हैं? यह सवाल किया था अरविंद केजरीवाल। और ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जिनकी कहानी आगे आप जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। अब ऐसे नेता जब पाकिस्तान से सताए हुए हिंदुओं के साथ खड़े होने को तैयार नहीं है तो बांग्लादेश से सताए गए हिंदुओं के लिए क्या खाक आवाज उठाएंगे? और आपको बताऊं कि ये वही केजरीवाल हैं जो म्यांमार से आने वाले रोहिंग्या मुसलमानों की खातिरदारी में दिन रात जुटे रहते, उनके लिए कूलर और पंखे का इंतजाम करते हैं गर्मियों में, उनको कोई दिक्कत नहीं हो दिल्ली में, इसकी पूरी व्यवस्था करते हैं, लेकिन पाकिस्तान से आए हिंदू इनकी आंखों में खटकते रहते। मोहम्मद यूनुस को मुबारकबाद वाला जो संदेश बांग्ला की जो सीएम ममता बनर्जी जो हैं, उन्होंने भी एक उनके बारे में भी जरा एक बार सुन लीजिए। उन्होंने एक संदेशा भेजा था और उस संदेशा में हिंदुओं के लिए एक शब्द नहीं, एक बार भी ममता बनर्जी ने मोहम्मद यूनुस से यह गुहार नहीं लगाई कि हिंदुओं को बचाना चाहिए। उन्होंने भी जैसे मोदी ने और राहुल गांधी ने मोहम्मद यूनुस के लिए एक्सपोस्ट किया है, उसी तरीके से इन्होंने भी संदेश लिखा। इनका संदेश भी देख लिया, उसमें कहीं भी आपको हिंदू शब्द नहीं दिखेगा, जबकि वहां की हिंसा जो बांग्लादेश में आज हिंसा हो रही है उसका एक जो सबसे बड़ा टारगेट है, बल्कि यूं कहिए कि एकमात्र जो टारगेट है वो हिंदू है। और आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जब बांग्लादेश का बवाल अपने चरम पर था तब यही ममता बनर्जी बाहें खोलकर वहां के रिफ्यूजी को बंगाल में उनका स्वागत कर रही थी, कह रही थी कि तकलीफ हो तो इधर चले आइए। और आज जब वहां एक आध करोड़ जो बचे खुचे हिंदू सताए जा रहे हैं तो इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा। इस तरह की सियासत, इस तरह की जो सियासत हो रही है इस देश में और इस तरह की जो मजबूरी है उसके पीछे क्या कहानी, ये कभी सोचा आपने? क्यों इंडी गठबंधन के नेताओं के मुंह से हिंदू शब्द निकलता नहीं? क्यों उनकी जुबान कांपने लगती है, जीव जो है थरथराने लगती है हिंदू शब्द बोलने में? यह भी कभी सोचना चाहिए। यह सवाल और इस तरह की पॉलिटिक्स पर से जुड़े जो बाकी सवाल हैं वो हम करेंगे अपने मेहमानों से, लेकिन अभी कुछ ऐसे सवाल जिसका कि आपको जवाब देना है। जरा एक बार वो सवाल दिखाइए। सवाल नंबर एक, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? और ऑप्शन ए है, कट्टरपंथियों का खूनी मिशन जारी है। ऑप्शन बी, खराब कानून व्यवस्था से हालात और बिगड़ रहे हैं। और ऑप्शन सी, हालात उतने खराब नहीं जितना कि रिपोर्ट किया जा रहा है या बताया जा रहा है।
आप क्या सोचते हैं इन घटनाओं के बारे में और इस जो बांग्लादेश में आजकल हो रहा है उसके बारे में आप हमें बताना शुरू करिए। देखते हैं सवाल नंबर दो, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर मोदी के रिएक्शन पर आप क्या कहेंगे? और ऑप्शन ए, सिर्फ मोदी को हिंदुओं की चिंता है। ऑप्शन बी, अब यूनुस सरकार एक्शन लेगी, क्योंकि अभी सरकार नहीं थी इसलिए अराजकता की स्थिति थी, अब एक अंतरिम सरकार बन गई है तो अब शायद हिंदुओं के लिए अच्छे के लिए थोड़ी चीजें बेहतर हो जाएं। और ऑप्शन सी, बांग्लादेश में हालात नहीं बदलने वाले क्योंकि ये कट्टरपंथियों का एजेंडा है। जरा सवाल नंबर तीन दिखाइए। सवाल नंबर तीन है कि बांग्लादेश के मामले पर विपक्षी नेताओं के रवैये पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? और ऑप्शन ए है, विपक्ष मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहा है। ऑप्शन बी, विपक्ष को हिंदुओं की बिल्कुल फिक्र नहीं है। और ऑप्शन सी, विदेश नीति पर विपक्ष सरकार के साथ खड़ी है और इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकती। आप क्या सोचते हैं इन तीनों सवालों के जवाब में हमें जल्दी जल्दी बताना शुरू करिए। और हमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी हैं और सवाल कैसे बताना है, जरा सवाल का जवाब कैसे देना है एक बार जरा संक्षेप में मैं बता दूं कि आपके सामने जो अभी टीवी पर क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है, इसको जैसे ही आप अपने मोबाइल कैमरे से स्कैन करेंगे इस क्यूआर कोड को, आपके सामने इन्हीं तीनों सवालों की लिस्ट खुल जाएगी। उसके बाद आप अपना जवाब भर के उसे सबमिट करिए, आखिर में अपनी डिटेल जरूर भरिएगा क्योंकि उसी के आधार पे हम हर रोज चार लकी वोटर का भी चुनाव करते हैं। और हमारे साथ चार मेहमान हैं, आरपी सिंह है, नेशनल स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, विजय शंकर तिवारी हैं बीएचपी के प्रवक्ता हैं, और जगदीश शर्मा हैं कांग्रेस के नेता, और बादल देवनाथ हैं हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और टीएमसी का पक्ष रखते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल जगदीश शर्मा से। जगदीश शर्मा, ऐसा क्यों है कि राहुल गांधी राफा में जो हो रहा है, फलस्तीन में जो हो रहा है, उसको लेकर तो इतने चिंतित दिखाई देते? प्रियंका गांधी जब उनके लिए पोस्ट करती हैं तो लंबे लंबे पोस्ट करती हैं, मानवता से लेकर और अंतर्राष्ट्रीय कानून सबकी दुहाई देती हैं, लेकिन बगल में पड़ोस में बांग्लादेश में हिंदुओं पर किस तरह के अमानवीय जुल्म हो रहे हैं उसके बारे में एक शब्द नहीं बोल पाते लोग, आखिर ऐसा क्यों है भाई? रंजीत भाई, शायद आप जानते होंगे कि इस देश की एक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी थी जिन्होंने पाकिस्तान के दो टुकड़े करके बांग्लादेश बचाया था। और मैं समझता हूं आपका दर्द भी खूब झलका, 15 मिनट मैंने सुना दर्द है, दर्द है आके राहुल गांधी ने क्यों नहीं करा? आपने ये तो कहा प्रधानमंत्री पूछ रहे हैं, भाई बाहुबली प्रधानमंत्री, विश्व गुरु प्रधानमंत्री क्या छोटे से देश को नहीं संभाल सकता? अपने इतने बड़े बड़े अफसर अजीत डोभाल जैसे भेज के समझौता कराए, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं की सरकार बैठी है, क्या बधाई देने से कह देने से मामला नहीं मटने वाला? 56 इंच की छाती और आंख दिखानी चाहिए, लाल आंख दिखानी चाहिए। हम प्रधानमंत्री साथ हमारे नेता राहुल गांधी पहले दिन ही सरकार से मिलने गया था और क्या कह रहा था कि हिंदुओं की रक्षा करें, आपने ये बात इस देश को नहीं बताई। कहना कहीं मैं समझता हूं हमें सबको दुख है कि हिंदू मारा जा रहा है, कुछ लोग बॉर्डर पर खड़े हिंदू तो उनको देश में ले लो भाई, अब तो सरकार मोदी जी की है, वो हिंदू के हितेश ही है, ले लेना चाहिए, हम अपील करते हैं विपक्ष के नाते। कहना कहीं ये अत्याचार बड़ा है और हमें दुख है कि हमारे, लेकिन ये बात राहुल गांधी क्यों नहीं कह पाते हैं? जगदीश शर्मा, सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि राहुल गांधी ये बात क्यों नहीं कह पाते? अरे प्रियंका गांधी क्यों नहीं कह रही हैं? भाई वो बधाई तो दे रही है मोहम्मद यूनुस को बधाई तो दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं बोल रहे हैं कि भाई वहां के हिंदुओं की रक्षा की जानी चाहिए, ये क्यों नहीं बोल पा रहे? रंजीत जी पहले दिन विदेश मंत्री से मिलकर राहुल गांधी ने ये कहा शायद आप उस दिन छुट्टी पाओगे, आपने सुना नहीं होगा, ये हमें नहीं मालूम जगदीश शर्मा, उन्होंने विदेश मंत्री को क्या कहा, बंद कमरे में उन्होंने किससे क्या कहा, ये जनता को नहीं मालूम। लेकिन जब वो एक सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं जिसके जरिए मोहम्मद यूनुस से बात कर रहे हैं, भाई उन्होंने अपने मंत्री से क्या कहा वो तो एक सवाल है, लेकिन जब वो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को अंतरिम सरकार के मुखिया को जब वो पोस्ट कर रहे हैं, उनको मैसेज दे रहे हैं, उस समय ये क्यों भूल जाते हैं कि वहां हिंदू खतरे में? रंजीत भाई अच्छा होता आप ये सवाल सरकार से और प्रधानमंत्री से करते, आप हिंदू के हितैषी हैं, लाल आंख दिखाओ, 56 इंच का छीना है, भारत हिंदुओं को बचाओ, पर आपकी हिम्मत नहीं हुई, आपको तो प्रियंका गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश, राहुल गांधी को खेलने का एजेंडा चला रहा है। राहुल गांधी ने कह दिया उसको या तो शेख हसीना के साथ जाओ या उस प्रधानमंत्री को बधाई मत दो जो बनाए,
दुश्मन तो दुश्मन है। अब समझ में नहीं आ रहा कि प्रधानमंत्री दोस्त के साथ हैं या दुश्मन कट्टरपंथी की सरकार को बधाई दे रहे हैं। देश सवाल पूछ रहा है, राहुल गांधी से नहीं सरकार से पूछ रहा है, सरकार से आपको भी पूछना चाहिए, जवाब लेना चाहिए। हम तो खड़े हिंदुओं को बचाओ, नहीं कम से कम प्रधानमंत्री जब आप तो प्रधानमंत्री जब बधाई दे रहे हैं, प्रधानमंत्री बधाई दे रहे हैं मोहम्मद यूनुस को, तो स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि हिंदुओं समेत सारे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए, स्पष्ट शब्दों में कहा। राहुल गांधी नहीं कह, राहुल गांधी ऐसा नहीं कह पाते भाई, राहुल गांधी नहीं कह पाते। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को क्या ये मैसेज देने की जरूरत नहीं है? जगदीश शर्मा, क्या ये मैसेज देने की जरूरत नहीं है कि हिंदुओं की सुरक्षा के मामले पे पूरा हिंदुस्तान एकजुट है, पूरा हिंदुस्तान एकजुट है, सरकार से लेकर विपक्ष सब एक सुर में कह रहे हैं कि आपको हिंदुओं की सुरक्षा वहां करनी पड़ेगी। ये मैसेज देने में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी क्यों चुप हैं? चलाने रंजीत भाई सुनिए, ये सरकार बिल्डोजर चलाने में विश्वास रखते हैं, चलाइए बिल्डोजर, तोप के मुंह करते हैं पूरा देश, प्रधानमंत्री मतलब बांग्लादेश में जाकर बुलडोजर चलवा दें, इस पर राजनीति नहीं, खोल दीजिए ना बांग्लादेश भेज दे बुलडोजर। अरे इंदिरा गांधी ने भाई कमाल कर दी, तोप खोल दो, कमाल तो छोड़ दो। इंदिरा गांधी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं भी तो यही कह रहा हूं कि कांग्रेस की विरासत को देखना चाहिए ना राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को, कि कांग्रेस की विरासत वो है जिसने कि पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश का जन्म जो है इंदिरा गांधी के पहल की वजह से हुआ। अब भैया आज की तारीख में उसी पार्टी का कर्ता धरता बांग्लादेश को एक छोटा मैसेज नहीं दे पा रहा, बांग्लादेश के पीएम को एक मैसेज देने में उसको डर लग रहा है कि यहाँ के मुसलमान नाराज ना हो जाए। रंजीत भाई आज देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी होते, मैं छाती दावे से कहता हूँ, तोप का मुंह खोल देते, दिखा देते दुश्मनों को, दिखा देते कि कैसे हिंदुओं को मारा जाता है। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि राहुल गांधी विपक्ष से लेता है और सरकार से अपील करके आई है, इतना ही कर सकते थे, वो क्या करते बताइए आप, क्या कर सकते थे? ठीक बात है, जितने हौसले से जगदीश शर्मा आप बात कर रहे हैं ना, जितने हौसले से आप बात कर रहे हैं, इसका 10% भी अगर राहुल गांधी ने हौसला दिखाया होता तो कम से कम उनके ट्वीट में एक हिंदू शब्द तो दिख ही जाता, जो कि नहीं दिख रहा, जो कि बताता है कि आपका 10% हौसला भी राहुल गांधी नहीं रख पा रहे हैं। रखना चाहिए उनको, वो देश के बड़े नेता है। आरपी सिंह भाई, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का दिल जार बेजार रो रहा है फिलिस्तीन के लिए, गाजा के लिए, लेकिन बांग्लादेशी हिंदुओं के नाम आते ही उनको सांप सूंघ जा रहा है, एक शब्द नहीं बोल पा रहे। रंजीत बाबू, ये तोप चलाने की बात कर रहे हैं, हम कहते तोप छोड़िए ना, अपने तो अंगूठे से जो सोशल मीडिया पे एक्स ट्वीट करते हैं वो चला दीजिए। वो जो जनेऊ दिखाया था ऊपर से पहना हुआ, उसकी कुछ इज्जत रख लीजिए साहब, पता नहीं असली था नकली था, परंतु जनेऊ दिखाया था सबको, दुनिया को, कि हमने जनेऊ पहना हुआ है, उसी की कुछ इज्जत रख लीजिए। जब वो जनेऊ एक तरफ हो गया, टोपी का ही खड़ा खेल रह गया कि हमें तो सिर्फ टोपी के हिसाब से कुछ करना है, हमें तो यहां पर वोट बैंक के हिसाब से सब कुछ करना है, नहीं तो एक तोप तो बहुत दूर की बात है, एक अंगूठा चलाना है अपने फोन पर, दो अंगूठे चलाकर उसमें डालना था। अरे आपको ठोका नहीं मैंने, अरे शर्मा जी, पंडित जी रुको, आपको ठोका नहीं मैंने, सुन लीजिए, बोलिए सर, बोलिए सर, आपके बारे में तो क्या पंडित जी, प्लीज अच्छी बात नहीं ना, तो कृपा कर अपने नेता को बोलो कि एक ट्वीट, एक मैसेज, जैसा मैसेज उन्होंने गाजा को लेकर किया था, मैं पढ़कर सुना देता हूं, मतलब वैसा एक मैसेज यहां भी कर दें, द किलिंग ऑफ थाउजेंड ऑफ इनोसेंट सिविलियंस इंक्लूडिंग चिल्ड्रन इन गाजा एंड कलेक्टिव पनिशमेंट ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल बाय कटिंग ऑफ देयर फूड एंड वाटर इलेक्ट्रिसिटी आर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। यहां तो एक बहन के साथ लगातार अभी वीडियो में देख रहा था सोशल मीडिया पे, शर्म आ रही है कहते हुए कि एक बहन के साथ लगातार रेप हो रहा है, गिनती नहीं है उस बात की कि कितने लोगों ने उसके साथ रेप किया, एक बहन के साथ, हिंदू बहन के साथ। वो लड़की हो, लड़ सकती हो, एक ट्वीट डाल दे कि भाई ये गलत है, एक यूएन कमिश्नर, यूएन हाई कमीशन को ट्वीट डाल दे कि तुरंत इस पर इंटरवेंशन कीजिए, ये गलत हो रहा है। वो जब गाजा में हुआ तो कह रही थी व्हाट इंटरनेशनल कम्युनिटी इज अलाउड इन द गाजा विल गो डाउन इन हिस्ट्री, नॉट ओनली एज अ ग्रेट शेम ऑफ द होल ऑफ द ह्यूमैनिटी बट एज टर्निंग पॉइंट फॉर द ह्यूमन रेस। मतलब दुनिया के लिए, दुनिया को कह रही थी गाजा में जो हुआ उसके कारण से दुनिया को शर्मसार होना पड़ेगा।
यहाँ जो बगल में हो रहा है उसको लेकर एक अक्षर नहीं लिखा जाता, एक अक्षर नहीं बोला जाता। देश के प्रधानमंत्री जी तो बधाई दी, साथ में ठोक कर कहा भैया हिंदुओं की और मिनोरिटीज की चिंता करना आपका काम है और आप करिए तुरंत चिंता उनकी। ठीक है, बादल देवनाथ राजनीति कर बादल देवनाथ इन लोगों को मैंने कहा ना, वो जनेऊ पता नहीं कहीं जनेऊ कहीं जेब में रख लिया, अब टोपी पहन ली और टोपी के सिर पे सारी कुछ चीजें चल रही है। हाँ, बादल देवनाथ, जो सवाल राहुल गांधी को लेकर है वही सवाल ममता बनर्जी को लेकर भी। ममता बनर्जी ने बांग्ला में ट्वीट किया कि ताकि उनकी पश्चिम बंगाल में तो लोग समझे ही कि वो क्या कह रही हैं, वो जो कह रही थी वो पूरे पूरे बांग्लादेश में भी लोगों को समझ में आ जाएगा। और ममता बनर्जी के भी ट्वीट में एक भी जगह हिंदू शब्द माइनॉरिटी शब्द नहीं आया। भाई ये ममता बनर्जी हैं जो अभी जब पिछले दिनों छात्र आंदोलन चल रहा था तो कह रही थी कि हम तो पूरा बॉर्डर खोल देना चाहिए और उनको सबका स्वागत है हमारे यहां। आज वो हिंदुओं के खिलाफ हो रहे इतनी बड़ी हिंसा को लेकर एकदम खामोश है, क्यों? वोट बैंक पॉलिटिक्स? नहीं, रंजीत जी कोई खामोश नहीं है। गवर्नमेंट ने जो सर्वदलीय बैठक बुलाया था उस बैठक में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से संसदीय दल ने वहां पर प्रेजेंट किया और सभी ने एक ही बात बोला, भारत सरकार इस विषय में बांग्लादेश के विषय में जो भी डिसीजन लेगा उस डिसीजन के भारत सरकार के साथ टीएमसी और हम सब है, ये तो पहले ही बोल दिया। दूसरा बात है ममता दीदी क्यों कहा, जो वहां पर जो पहले स्टूडेंट आंदोलन को लेकर जैसे हंगामा शुरू हुआ था उस हंगामा को लेके ममता दीदी ने कहा जो कोई प्रॉब्लम होगा तो कोई भी आ सकता है, मतलब ये नहीं है सिर्फ हिंदू और मुसलमान अलग नहीं है। लेकिन बात जो आप जो कह रहे हैं मैं उसके लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ रंजीत जी, बांग्लादेश में जनता दो डिवाइडेड में हो गया, एक बात भारत सरकार के कोई भी क्यों आएगा, नहीं कोई भी क्यों आएगा बादल देवनाथ भाई, वहां हिंसा हो रही है हिंदुओं के खिलाफ, मारे जा रहे हैं हिंदू, बलात्कार हिंदू लड़कियों का हो रहा है, घर हिंदुओं के जलाए जा रहे हैं, कोई भी क्यों आएगा? मैं आपका आंसर दे रहा हूं, मैं आपके साथ हूं, आपका जो भावना है उस भावना के साथ मैं भी हूं, व्यक्तिगत रूप से मैं भी आपके साथ हूं। लेकिन लेकिन जो डिवाइडेड हो गया बांग्लादेश में, एक बांग्लादेश भारत सरकार के साथ और भारत के खिलाफ, और मैंने आपने देखा नहीं है जो सबसे बड़ा बात है रंजीत जी, एक जो मैप जमाते ने जो निकाला मैप, उस मैप में जो बांग्ला मणिपुर त्रिपुरा के साथ एक जमाते निकला, मैं तो इसको मैं प्रतिवाद करता हूँ और बांग्लादेश में जो हिंदुओं को मार रहे इसका भी निंदा करता हूँ। उसके साथ साथ जो आवामी लीग के जो पार्टी के जो लीडर है, जो मुस्लिम लीडर हिंदू लीडर है, उन सभी को हजारों के ऊपर लोग मार दिया गया। सर मैं बंगाल में हूँ और बंगाल बॉर्डर के में लाखों हजारों लोग खड़ा है, लाखों हजारों हिंदू खड़ा है। मैं प्रधानमंत्री से आपके चैनल के माध्यम से एक अनुरोध कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी से मोहम्मद यूनुस को शुभकामना देने से बधाई देने से कुछ नहीं होगा, आपको कुछ स्टेप लेना पड़ेगा। इतना लोगों को मार दिया जा रहा बांग्लादेश में, वो हिंदू हो मुसलमान हो, और जो पहले जो छात्र आंदोलन था वो छात्र आंदोलन अभी रंजीत जी नहीं है, वो जमात और पाकिस्तान या चीन के साथ हो गया। मैं आपके भावना के साथ हूँ, भारत सरकार के साथ हूँ और भारत सरकार को से विजय शंकर तिवारी जरा देखिए, अब यहाँ विडंबना देखिए, यहाँ जरा एक बहुत बहुत हैरान करने वाली चीज मुझे दिख रही है। जगदीश शर्मा और बादल देवनाथ जैसे लोग जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के नेता हैं, वो जब आते हैं टीवी पे तो कह रहे हैं कि भाई उनको मतलब हिंदुओं के साथ खड़े हैं, जैसा बादल देवनाथ कह रहे हैं, जगदीश शर्मा भी यही कह रहे थे, लेकिन ये लोग तो बोल रहे हैं, इनके नेता चुप हैं, इनके नेता से एक शब्द नहीं निकल रहा। ये एक बड़ा मतलब बड़ी अजीब सी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है रंजीत जी। अंतर्जातीय जब विषय होता है ना, उस विषय में डिसीजन होता है जब सर्वदलीय बैठक में, इसमें कोई भी कोई बात नहीं करेगा, कोई पॉलिटिकल पार्टी बात नहीं करेगा, डिसीजन एक भारत सरकार लेगा। इस डिसीजन के साथ हम सब है, वो तो मीटिंग हुआ, इस मीटिंग के कारण कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एक शब्द नहीं बोल रहा है, रंजीत जो बोले अभी नहीं नहीं, लेकिन भाई लेकिन आपकी पार्टी के नेता तो लिख ही रही है ना, ट्वीट तो कर ही रही है, राहुल गांधी को बधाई दे ही रहे हैं ना, मोहम्मद यूनुस को भाई बधाई तो दे ही रहे हैं, उसी में
एक लाइन लिखने में क्या जाता था, या एक लाइन क्यों नहीं लिखा जाना चाहिए था कि भाई वहां हिंदुओं के खिलाफ हो रहे नरसंहार और अत्याचार तुरंत बंद होने चाहिए, ये क्यों नहीं लिखा जाना चाहिए था? इतना लिखने से भी क्यों राहुल गांधी और ममता बनर्जी चूक रही है भाई? ये सवाल है, मैं ये सवाल विजय शंकर तिवारी रंजीत जी आपने अभी प्रारंभ में एक पूरी रिपोर्ट बांग्लादेश की दी है और वो एक्सरे की आपने जो आज वहां पर हो रहा है, हजारों वहां पर हिंदू हताहत हो गए, उनकी हत्याएं हो गई हैं, उनकी बहन बेटियों को घसीटा गया है, उनके साथ बलात्कार किया गया है, 10-10 लोगों ने बलात्कार किया है, दुकानें लूटी गई हैं, उनके घर तोड़े गए हैं, दुकानें तोड़ी गई हैं, इतना सब कुछ हुआ वहां से सीधे सीधे लाइव यहां सोशल मीडिया का समय सारा कुछ आता है। भारत के सोशल मीडिया में रंजीत जी एक बात देखिए, जो राहुल गांधी के प्रशंसक हैं, जो ममता बनर्जी के प्रशंसक हैं, जो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के समर्थक हैं, जो इस प्रकार के समर्थक हैं, उनके ट्विटर हैंडल में चले जाइए, फेसबुक पेज में चले जाइए, वो कहते हैं बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित है, बांग्लादेश के हिंदुओं को कुछ नहीं हुआ है। ये जो तथाकथित अपने को देशभक्त बनते हैं, ये संघ वाले भाजपा वाले, ये गलत बात फैला रहे हैं। वहां पर हिंदू सुरक्षित है और एक दो कोई बाइक हिंदुओं के निकाल के लाते हैं जो कहते हैं हम सुरक्षित हैं। यानी ये मानसिकता यहाँ पर भारत में जो विपक्ष है उसका ये है। 1975 में एक मिनट बादल देवनाथ मैं आपके पास आऊंगा ना, जरा विजय शंकर तिवारी की बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप लोगों ने सुन लिया 1975 में जो बात हो रही थी, जब हमें इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान को तोड़ करके बांग्लादेश बनाया, उस समय का विपक्ष आतंकवादियों का विरोधी था, देशभक्त था, हिंदुओं का साथी था। उस समय का जो पूरा विपक्ष है इंदिरा जी के साथ कदम से कदम मिला रहा था। एक भी जगह इंदिरा गांधी जी के पग नहीं डगमगाने पाए, ताकत बनकर उस समय विपक्ष खड़ा था। लेकिन आज का जो विपक्ष है आतंकवादियों का साथी है, आतंकवादियों के साथ खड़ा है, हिंदू विरोधी है। अगर देखना है तो इसराइल वाली घटना जो आपने बताई रंजीत जी, कि जब इसराइल में हमास ने आक्रमण किया, छोटे छोटे बच्चों के साथ आतंकवादिता की, तब राहुल गांधी हो अखिलेश यादव हो, किसी के मुंह से एक भी शब्द हमास के खिलाफ नहीं निकला। लेकिन जब अपना बदला लेने के लिए हमास के ऊपर आक्रमण किया इसराइल ने, तो ये सब फिलिस्तीन और हमास के साथ खड़े हुए, ये आतंकवादियों के साथी हैं, ये हिंदुओं का विनाश चाहते हैं, हिंदुओं के विनाश के लिए सारे काम करते हैं, हिंदुओं की सुरक्षा के लिए एक शब्द नहीं बोलते। इतनी घृणा विपक्ष के साथ आज देश की इसके पहले कभी नहीं थी। आज देश का आम समाज इनको वोट दे करके सोचता है कैसे घृणात्मक लोगों को हमने वोट दे दिया, इनको हम संसद बिठा दिया, इन ये घृणा के पात्र हैं। हमने कभी घृणा नहीं की ऐसे विपक्ष के साथ, आज मैं घृणा करता हूँ। ठीक है, मैं आऊंगा, बादल देवनाथ ऐसे विपक्ष के साथ। नहीं, जगदीश शर्मा के पास आता हूं मैं। जगदीश शर्मा भाई, आपने भी थोड़ी देर पहले कहा कि राहुल गांधी तो ठीक है, उन्होंने ट्वीट किया, लेकिन भाई जिम्मेदारी तो पीएम की बनती है। लेकिन राहुल गांधी जब गाजा के पर ट्वीट कर सकते हैं, प्रियंका गांधी जब गाजा और फलस्तीन पे ट्वीट कर सकती हैं, और जब वहां भी जाहिर सी बात है कि फलस्तीन और गाजा पे ट्वीट करने से भी राहुल और प्रियंका के ट्वीट करने से कुछ नहीं बदल रहा, लेकिन उन्होंने सॉलिडैरिटी दिखाई ना, उन्होंने दिखाई ना एकजुटता, उन्होंने मैसेज दिया ना कि वो जो गाजा में मुसलमानों के साथ हो रहा है, जो फलस्तीन में मुसलमानों के साथ हो रहा है, वो उसके साथ खड़ी हैं। क्यों उन्होंने मैसेज लिखा? इसीलिए लिखा ना। तो यहां अगर बांग्लादेश में आज हिंदुओं के साथ ये हो रहा है, करोड़ों हिंदू आज असहाय हैं बांग्लादेश में, तो उनके साथ ये सॉलिडैरिटी, ये एकजुटता दिखाने से क्यों पीछे हट रहे हैं आपके नेता? सिर्फ इसलिए क्योंकि मुसलमान वोट बैंक आपको यहां दुरुस्त करना है? रंजीत भाई, हम हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करते, आपको पता कौन करता बताने की जरूरत नहीं है। वो सबसे बड़ी एक अरे बात ये बताता है कि आप हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। राहुल, ये बताता है कि गाजा पे लिखना, फलस्तीन पे लिखना और बांग्लादेश पे चुप रहना, ये बताता है कि आप हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। भाई प्रधानमंत्री चुप क्यों है? प्रधानमंत्री क्यों नहीं बदला ले रहे? प्रधानमंत्री चुप नहीं है, पहली बात तो सरकार है भाई, गृह मंत्री, राष्ट्रपति, गवर्नर ने क्या करा? उन्होंने देश पूछ रहा क्या करा, कितने हिंदू बचा लिए, कितने निकाल के लाए, बताइए। प्रधानमंत्री के, आपने तो देश की कमान है, दे दीजिए एक महीने के लिए राहुल गांधी के हाथ में,
बता देगा किसका पोता इंदिरा गांधी का पोता है, सारे हिंदू बाहर बैठे मिलेंगे, और जिन्होंने हिंदुओं के साथ अत्याचार करा उनको छोड़ेगा भी नहीं। मैं तो जब को बहुत अच्छी नहीं, नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जब इसी इसी के लिए हिंदुओं के हिंदुओं के इसी इसी वजह से जब सीए लाया जा रहा था तो क्यों विरोध कर रहे थे? चल क्या रहा है तो सीए का विरोध क्यों कर रहे थे? अगर आज आपको इतनी चिंता है हिंदुओं की, अगर आपको बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदुओं की इतनी चिंता है तो आपने सीए का विरोध क्यों किया था? ये भी तो इसका जवाब भी तो देना पड़ेगा ना जगदीश शर्मा। रंजीत भाई मैं सवाल आपके माध्यम से भाजपा से पूछ रहा हूँ, आप क्यों जवाब देते हैं? मैं पूछ रहा हूँ प्रधान, पहले दिन ही राहुल गांधी सरकार के पास चले गए, ये पहली बार हुआ कि हिंदुओं का सवाल मैं पूछ रहा हूँ, पता ना सवाल मैं पूछ रहा हूँ, इसके जवाब आपको मुझे भी देना पड़ेगा। आपको बीजेपी से आप निश्चित रूप से सवाल करिए, उनसे जवाब भी लेंगे हम, उनसे जवाब भी लेंगे, लेकिन जो मैं सवाल कर रहा हूं उसका भी जवाब आपको देना पड़ेगा ना जगदीश शर्मा। आपसे तो अच्छा है, मैं कह रहा हूं राहुल गांधी दुखी है, हिंदू मारे जा रहे, अपनी चिंता व्यक्त करके सरकार कह दे क्या राहुल गांधी ने नहीं पूछा हिंदू को बचाओ, नहीं कहा कहां? वो दुख दिखना भी तो चाहिए, वो दिख जरा, वो जैसे गाजा के लिए दुख छलक रहा था, जैसे दर्द छलक रहा था गाजा और फलस्तीन के लिए, बांग्लादेश के लिए तो छलकता हुआ नहीं दिख रहा मुझे कहीं। राहुल गांधी दिल पार के भी दिखा देगा, नहीं आप देख नहीं रहे हैं, आपका चश्मा बदल गया, आप देख नहीं रहे हैं, आप तो सरकार से पूछ भी नहीं रहे हो। प्रधानमंत्री आप बाहुबली हैं, आप आंख में, अरे नेपाल जैसा, पाकिस्तान जैसा, बांग्लादेश जैसा देश हम पे भारी पड़ रहा है, हम चुप हैं, सारा चाइना पीछे खड़ा है, हिम्मत तो करो, भारत का एक एक सिपाही, भारत का एक एक आदमी मोदी के साथ खड़ा है और कंधे से कंधा मिला के लड़ेगा, शुरुआत तो करो किसी तरफ से। सोशल मीडिया का खेल छोड़ दो, सोशल मीडिया में क्या चल रहा भी हमारे तो, सोशल मीडिया पे तो खेल ही खेल रहे हैं ना, सरकार की तो खेल ही खेल रहे हैं ना राहुल गांधी, खेल को तो यही तो खेल, मैं उसी खेल को तो एक्सपोज कर रहा हूँ, वही खेल तो एक्सपोज हो रहा है, उसी का पर्दाफाश हो गया ना जगदीश शर्मा, कि गाजा और फलस्तीन के लिए जार बेजार रोने वाले लोग आज आज बांग्लादेश के हिंदुओं के पक्ष में दो शब्द, संवेदना के भी दो शब्द, उनके साथ एक जुटता की तो बात छोड़िए, संवेदना में भी दो शब्द लिखने से कतरा रहे हैं भाई, ये दिख रहा है, ये खेल हो रहा है, सरकार मना करके दिखा। और बादल देवनाथ यही सवाल आपसे भी है, अभी आप कह रहे हैं कि भाई वो बॉर्डर खोल देना चाहिए और बॉर्डर पे हम लोग खड़े हैं और बॉर्डर पे हम उनके साथ हैं, भाई मैं कह रहा हूं कि, और जो आपकी पार्टी के नेता कहती हैं कि हम बंगाल में सीए नहीं होने देंगे, भाई सीए किसके लिए था? ऐसे ही मारे सताए गए लोग जो हिंदू हैं, जो गैर मुसलमान हैं, पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान, उन्हीं के लिए तो था ना, उसका तो विरोध करते हैं आप लोग, उसका विरोध कर रहे थे और आज बड़ी चिंता जता रहे हैं आप जता रहे हैं, आपकी नेता तो खैर वो भी करने से गई, वो भी नहीं कर रही है। रंजीत सर मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, दो तीन बातें करूंगा। गाजा में हिंदू है एक, दो नंबर पॉइंट है बांग्लादेश में जो प्रोड्यूसर है सलीम खान, उसके बेटे को पीट पीट के हत्या, वो तो मुस्लिम था, इतने कितने सारे मुस्लिम के दुकान, कितने सारे मुस्लिम महिला के घर लूट लिया, हत्या किया, रेप किया, कितने सारे मुस्लिम भाइयों के घर में गया, और उसके साथ साथ हजारों लाखों हिंदू के घर में अत्याचार किया गया। अभी काल से कुछ हिंदू लोग ने वहां पर प्रतिवाद शुरू किया, मैं भी उनको व्यक्तिगत रूप से सपोर्ट करता हूँ, लेकिन जो आंतर्जातिक जो विषय है, पहले आपको सोचना चाहिए आंतर्जातिक विषय, ये भारत सरकार देखेगा, भारत के अंदर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसमें कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं लगेगा, क्योंकि भारत सरकार जो डिसीजन लिया है, अंदर से जो डिसीजन लिया, जैसे हसीना को उन्होंने सेफ जगह में रखा, ये तो भारत सरकार का डिसीजन है, भारत का कोई सीएम, कोई मुख्यमंत्री, कोई दूसरा मंत्री कुछ भी नहीं कहना कह सकता है, कुछ कहना भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इस विषय में आंतर्जातिक विषय में जो राष्ट्रपुंज जो है, राष्ट्र संघ है, सबको लेके अरे तो फिर अगर ऐसा था तो सीए भी तो केंद्र का मामला था ना, क्यों विरोध कर रहे हैं? क्यों आपकी पार्टी कह रही है कि हम उसको बंगाल में लागू नहीं होने देंगे? क्यों आपकी पार्टी कह रही है? अभी तो जवाब दीजिए ना बादल देवना, इसका भी तो जवाब दीजिए ना कि अगर भाई सीए भी तो केंद्र सरकार लेकर आई थी, उसका विरोध क्यों कर रहे थे आप? सीए अलग बात है, क्यों अलग बात है भाई? क्यों अलग बात है? नहीं, क्यों अलग बात है? एक मिनट बादल देवनाथ, क्या सीए बांग्लादेश पाकिस्तान अफगानिस्तान जैसे देशों में जो गैर मुसलमान उनके साथ जो मार कर भगाए गए, उनके साथ अन्याय, जोर जुल्म, ज्यादती जो हो रही है, वहां से भाग के आए लोगों के लिए नहीं है क्या? अगर है आज क्या बांग्लादेश में कुछ अलग हो रहा है क्या? क्या पिछले पचास सालों से बांग्लादेश में पहले नहीं होता रहा है क्या? उन्हीं लोगों के लिए तो सीए लाया गया था ना, तो फिर उसका विरोध क्यों हो रहा था?
आप उसका विरोध करेंगे और आज कहेंगे कि आप बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ खड़े हैं। पूरे विश्व में तो हिंदू नहीं है, एक तो हिंदू है भारत में है, लेकिन जो सीए ने जिस कारण में सीए लागू किया, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जिस कारण में लागू हुआ, लेकिन बंगाल में राजनीति हो गया। नहीं नहीं वो मुतवा संप्रदाय नहीं, बादल देवनाथ ये आपका दो मुहापन, ये दोहरा चरित्र है, ये दोहरा चरित्र है, ये दोहरा रवैया है, चलेगा नहीं चोलबे नहीं। एक मिनट विजय शंकर तिवारी भाई देखिए जरा इन लोगों का चरित्र देखिए कि कितना किस तरीके से बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं जनता को। एक तरफ ये लोग सीए का विरोध करते हैं और सीए जबकि सबको पता है कि इस देश के मुसलमानों से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसको उन्होंने हिंदू मुसलमान का मसला बना दिया। ये कह रहे हैं कि हम हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करते, लेकिन सीए को हिंदू मुसलमान का मसला बना दिया, जबकि मालूम है कि ये सताए गए गैर हिंदुओं के लिए लाया गया कानून है और इस देश के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है, बावजूद इसका विरोध किया और आज ये कह रहे हैं कि हम बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ खड़े हैं। देखो रंजीत जी, रंजीत जी हमारे कांग्रेस के मित्र भी बोल रहे थे, बादल जी भी बोलते हैं, ये कहते हैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति, हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति करिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी देश में समाज रहते हैं सबके लिए आप राजनीति करिए, लेकिन विडंबना ये है कि आप सबकी राजनीति नहीं करते, केवल मुस्लिम की राजनीति करते हैं, यही विडंबना है। आप सबकी राजनीति करिए, हिंदू मुस्लिम इस देश के सिख जैन सबके लिए राजनीति करिए ना, अच्छी बात है, देश की राजनीति में अच्छा हो जाएगा, लेकिन आप केवल मुस्लिम की राजनीति करते हैं, उसका परिणाम सीएए पे दिखाई पड़ा। सीएए पर आपके दिल्ली में इतने लोग पाकिस्तान से आकर के रह रहे हैं, विपन्न अवस्था में रह रहे हैं, घर में छतरी नहीं है, और जब यहाँ एक समाज उनके साथ खड़ा होता है तो आप उनका भी विरोध करते हैं, आप एनआरसी का विरोध करते हैं, ठीक है, आप सीए का विरोध करते हैं, आप हिंदू विरोध करते हैं। यहाँ बंगाल में सैकड़ों हिंदुओं की हत्याएं हो गई, उनकी माँ बहन के साथ बलात्कार हुआ, राहुल गांधी प्रियंका गांधी एक बार भी नहीं गए। कर्नाटक में कितनी अत्याचार हो गए, एफआई जैसे आतंकवादी संगठन का आपने समर्थन किया, हत्याएं हुई, बलात्कार हुए, बिल्कुल, और इनकी जो पॉलिटिक्स है, इनकी जो पॉलिटिक्स है वो एक्सपोज हुई है इस मामले में, उसका पर्दाफाश हुआ, इसमें कोई दो मत नहीं है, और ये साफ साफ दिखता है, ये साफ साफ दिखता है कि गाजा फलिस्तीन पर जार जार रोने वाले लोग आज बांग्लादेशी हिंदुओं पर चुप हैं। जो सीए का विरोध करते थे वो कह रहे हैं कि हम बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ हैं, और वो क्यों कहते हैं, ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स ये साफ साफ दिख रही है इसमें। और अब जरा जल्दी से दिखाइए लोग क्या कह रहे हैं इस मुद्दे पे, लोगों की राय भी शामिल करते हैं। सवाल नंबर एक, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, और इसके जवाब में 92% लोग कह रहे हैं कि कट्टरपंथियों का खूनी मिशन जारी है बांग्लादेश में, और करीब 8.5% लोग कह रहे हैं कि खराब कानून व्यवस्था से हालात बिगड़े हुए हैं, और 1.1% लोग कह रहे हैं कि हालात उतने खराब नहीं है जितना हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब सोचिए कि 0.1% लोग कह रहे हैं, असल में सब लोग ये मानते हैं कि बांग्लादेश में हालात बहुत खराब हैं। सवाल नंबर 2 जल्दी से दिखाइए, सवाल नंबर 2 हमने पूछा था कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर मोदी सरकार का जो रिएक्शन है उस पर आप क्या कहेंगे, और इसमें 78% से ज्यादा लोग कह रहे हैं कि सिर्फ मोदी को हिंदुओं की चिंता है, और 17% लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेश में हालात नहीं बदलेंगे, करीब 17% लोग ऐसा मानते हैं, और 3% लोग ये कह रहे हैं कि अब यूनुस सरकार एक्शन लेगी, करीब 4% लोग ऐसा मानते हैं। मतलब बांग्लादेश की नई सरकार अंतरिम सरकार से लोगों की उम्मीदें नहीं के बराबर है। सवाल नंबर 3 दिखाइए, बांग्लादेश के मामले पर विपक्ष के नेताओं के रवैये पर आपकी राय क्या है, और इसमें विपक्ष मुस्लिम तुष्टिकरण कर रहा है ऐसा मानने वाले लोग करीब 60% लोग हैं, 59%, और विपक्ष को हिंदुओं की फिक्र नहीं ये भी मानते हैं करीब 40% लोग, और 1.5% लोग ये कह रहे हैं कि विदेश नीति पर विपक्ष सरकार के साथ है यही काफी है ऐसा मानने वाले लोग सिर्फ 1.5% हैं। तो ये है इस मुद्दे पर लोगों की राय, और अब जल्दी से दिखाइए कि देश का मूड मीटर के आज जो 400,000 की वोटर हैं वो कौन है। तो देवाशीष पॉल पश्चिम बंगाल के और सुधीर कुमार सिन्हा झारखंड के हैं। इसके अलावा जो और दो लोग हैं जिनको कि आज मूड मीटर का इनाम मिलता है उसमें जनक सिंह है मध्य प्रदेश के और दत्ता माणिक पवार हैं महाराष्ट्र के। इनके मोबाइल का आखिरी 4 डिजिट भी हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। तो इनको आज देश का मूड मीटर की तरफ से इनाम मिलता है। तो इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन नवभारत पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।